यारी दोस्ती, राजनीति में सब कुछ वक्त के हिसाब से होला और आपन स्वार्थ के हिसाब से होला। परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी ना होला, ये तो सब कुछ जानत रुए, रो लोग जानता नहीं। जे सत्ता में रहला वो सत्ता से बाहर हो जाला, जे बाहर रहला वो भले रउआ ओकरा खातिर मतदान कैले होखी विरोध में, लेकिन सत्ता में शामिल हो जाए। बिहार के उदाहरण रुआ सामने बढ़ुए, 2014 से लेकर के 2019 के बीच में काका भइल, ये केहू से छुपल नहीं खे, रउआ लोग जानता नहीं खूब बढ़िया से। फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव आ गिल बा और यह चुनाव में दोस्ती और दुश्मनी के अनूठा एक से एक नया नया समीकरण गढ़ के और पढ़े के मिली। हमने के भी लगातार ऊपर रउआ लोग के सामने जे भी हो रहा बड़ू ओकरा के सामने रखत नहीं जा, ऐसने कुछ हो रहा बड़ू है। फिर एक बार चुनाव घोषणा होने के बाद आज फिर से महागठबंधन के जो अंतिम प्रक्रिया रहल है, सिर्फ घोषणा करे के रहल है और संभावना रहा कि आज रात रात तक या काल कोनो समय में ये घोषणा हो जाए, लेकिन फिर अटक गई मामला खटाई में। गौर लगता है स्वागत बर बोलो के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जैसे कि वालों के जानकारी मिलल हुई कि दिल्ली में महागठबंधन के एकदम मैराथन बैठक चलो, अलग अलग तरह के बात बीच में आई, निकल के मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख बड़ा कहले कि हम चुनाव ना लड़ब, शरद यादव चुप्पी गुम्मी साथ ले ले बड़ा, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलते नहीं खन, ऐसे कि उनका बोले के अभी स्थिति में भी नहीं खन, परेशान बड़न अपना पार्टी के अंदरूनी कलह से, बड़ी कलह हो बड़ुए, रोज पार्टी में विघटन हो रहा बड़ुए, टूट हो रहा बड़ुए और ही उनका के तबाह कैले बड़ुए। ऐसे वो पहले ही से बैकफुट पर बड़ा, कहाँ से हो रहा बा, का हो रहा बड़ुए, ये तो जाँच के विषय बड़ुए और ये ऐसे रउआ लोग के विशेष कोनो मतलब भी नहीं है, ना हमनी के कोनो मतलब उड़ गए। ऐसे कि राजनीति हुए, राजनीति में टूट फूट जोड़ घटाव होत रहेला। जीतन राम मांझी पटना से खूब खुशी से गईलन कि जाता नहीं सीट शेयरिंग के समझौता करे खातिर, लेकिन दिल्ली पहुँचले और दिल्ली से जैसे बैरंग लिफाफा ना होला, जब डाक टिकटों पर ना होके तो ऐसा ही मुँह बंद करके भीतर चिट्ठी लिख के भेज दियाला, जरा लगे पहुँची वो छोड़ा ली पैसा दे के, वैसे ही बैरंग चिट्ठी के तरह गईलन आ फिर वापस आ गईलन, जब केहू ना छोड़ावे चिट्ठी के तो चिट्ठी रुआ भी फिर वापस आ जाला और रुआ ओकरा के पैसा देके छोड़ावे के पड़ला। वह स्थिति हो गई जीतन राम मांझी के, जीतन राम मांझी एजा से गईलन बंद लिफाफा में, ओजा चिट्ठी रिसीव ना भइल, वापस फिर पटना आ गई और पटना आज अंतिम समय में वो प्रेस वार्ता कैले है, प्रेस वार्ता करके वो पाँच सीट के फिर से दावेदारी कर दिले। अभी बताएं कि जब एक तरफ सब कोई कह रहा बड़ू है, महागठबंधन के सारे घटक दल ये बात कह दिले कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला हो गई, लॉक हो गई, ओके हो गई, फलान हो गई ठेकान, ये सब के बाद ये फिर कहाँ से आ गई पाँच सीट के डिमांड। एनडीए के सीट के संबंध में जो आप सूचना दे रहे हैं, हम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कौन आगे महागठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हमारी बात अद्यतन तेजस्वी प्रसाद यादव से हुई है और शक्ति सिंह गोहिल से भी बात हमारी हुई, उन लोग अपना यहाँ से भेज चुके हैं अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए, ये यहाँ से अनुशंसा किए हैं 11 सीट पर उनकी सहमति बनी है या महागठबंधन में 11 सीट पर बनेंगे, ऐसी अभी कोई बात नहीं है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें क्लियर होगा, वो अभी बिहार से अनुशंसा किए हैं। उसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश के जो हमारे साथी हैं वो लोग अपनी बात रखी है और ठीक हमारे प्रधान महासचिव और अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा कि हम लोग पाँच सीट की मांग की जाती है, लिखित भी दिया गया, इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और लिंग समीकरण समीकरण जो इस बात की थी कि हम महिला को भी अर्ज करना चाहते हैं, हम गैर शिक्षित को भी, पिछड़ा को भी
और शेड्यूल कास्ट को भी हम एडजस्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा जमादार बिहार में राजद के बाद हमारा ही, आप पूछ सकते हैं कि कांग्रेस से भी ज़्यादा है क्या, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से भी कम नहीं है हमारा जमादार। वैसी परिस्थिति में 5 सीट जो हमने मांग की है वो बहुत लॉजिकल है, और हम समझते हैं कि अगर 5 सीट को मिल जाती है तो हमारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। और जैसा कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि मैक्सिमम सीट पर संगठन बन गई है, 1-2 सीट ऐसा है जहां पर संगठन बननी है, हम समझते हैं वो भी संगठन आज से कल तक, जैसा कि आपसे बात की है वो अभी दिल्ली में है, कल हावे में अपना फाइनल करके, फाइनल का मतलब रालोसपा के साथ क्या कैसी बात करनी है, या फिर हमारे जो सैनी जी हैं उनके साथ क्या बात करनी है, या कांग्रेस की जो सूची यहाँ से गई है नंबर ऑफ सीट उसके बारे में सभी लोगों से बात करेंगे आज, और हम समझते कल उनकी वार्ता समाप्त हो जाएगी, वो कल अपना चले आवेंगे। कौन सर? 18 तेजस्वी प्रसाद यादव, और 18 तारीख को हर हालत में हम लोग सीटों का डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन उसमें एक बात और है, आप सभी कह रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि एनडीए आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। एनडीए अभी फेज वाइज डिक्लेरेशन कर रहा है, स्थिति में यानी प्रथम फेज में जो 4 चुनाव होने हैं, 4 पार्लियामेंट्री का कंस्टिट्यूएंसी का, तो उसका वो पहले नामकरण करेंगे, तो वो अगर चारों के बारे में करते हैं तो नेक्स्ट डे नहीं नेक्स्ट आवर में हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हाँ कौन कौन सीट पर कौन तो उनका प्रथम चरण में आप कितने सीट पर है, हम पार्टी कितने सीट पर है? 4 सीट है, 4 सीट में कितने पर हम है अभी हम कैसे कहें, लेकिन हम चारों सीट लड़ेंगे हमारे महागठबंधन। जी ये बताइए क्या कांग्रेस को 11 सीट जो मिल रही है आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा दिया जा रहा है, और ऐसे में सहयोगियों की तरफ से आप लोग के ऊपर से दबाव रहेगा ज्यादा सीट के लिए? कोई भी पार्टी के लोग मांग करना उनका अपना काम है। अरे वो तो अनाउंस कर दिए, मांग कर रहे हैं, अनाउंस कर दिए, अनाउंस नहीं किए, मीडिया को बुला के अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। अरे कांग्रेस के बात हम लोग भी जानते हैं, वो प्रदेश से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें अध्यक्ष और सदस्य के रूप में हमारे पास जो नाम है उनकी भी घोषणा आपके सामने करते हैं। सर अध्यक्ष के रूप में है डॉक्टर संतोष कुमार सुमंती, जो MLC भी हैं और प्रधान महासचिव भी हैं। दूसरा है श्री भागवत लाल वैसंती, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं। तीसरा है डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो पूर्व मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे हैं। फिर रामेश्वर प्रसाद यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इसके। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। श्रीमती अनामिका पासवान जी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के हैं और हमारे प्रवक्ता भी हैं। राजेश पांडे जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। शंकर मांझी अधिवक्ता है राष्ट्रीय सचिव। रघुवीर मोदी जी हैं कोषाध्यक्ष धर्म सेक्युलर का। प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं हमारे जिला अध्यक्ष हैं लखीसराय के। ये सभी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। उसके अलावे 3 मेंबर हमारे यहाँ पर आमंत्रित हैं, जिसमें वीरेंद्र कुमार मुन्ना है जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और असद परवेज साहब है जो जिनको कमांडर भी कहते हैं हम लोग, वो भी हम लोगों के सदस्य हैं, और श्रीमती ज्योति सिंह जो हैं वो भी हम लोगों का ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं। और इसके बाद हम चूंकि सेंटर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे ही अनुशंसा पर हमारे ही निर्देश पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, लिहाजा पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हमारे संतोष कुमार सुमन जी, हम उन्हीं से अनुरोध करेंगे कि आज जो मीटिंग में बातें हुई है उसके बारे में चर्चा करें, और इनके चर्चा के उपरांत यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई संशय या शंका की बात होगी, चेयरमैन या सदस्य नहीं है,
वो यहाँ प्रदेश के अभियान समिति के सदस्य, तो गलत बोल रहे हैं। प्रदेश ने 11 का नाम अनुशंसा किया है और उसको वहाँ से मुहर लगना है। वहाँ हो सकता है कि उसमें तब्दीली भी हो सकती है। अच्छा। इसलिए जब भी बढ़ भी सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, दोनों बात है। तो वो बात जब उनकी हो जाती है उसी परिप्रेक्ष्य में, इसका मतलब अखिलेश जो है वो महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे। छोड़िए ना, ये बात क्या आप कहाँ से निकालते हैं, तो फालतू बात है। मेरा कहने का मतलब है कि उनका स्टेट का प्रभाव हुआ है, केंद्र के नहीं है। जब तक केंद्र का मुहर नहीं लगेगा तब तक यहाँ उसी प्रकार से हमारे राजद के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मिल करके अपना सीटों की संख्या तय कर लेंगे कल। और परसों हम लोगों का सम्मिलित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें हम लोग खुलासा करेंगे। आप 5 से कम सीट पर भी मान सकते हैं? आप अपनी बात पर कायम है, जिसमें आपने कहा था कि हम तीसरा प्रमुख दल है बिहार में, हमको कांग्रेस राजद के बाद सबसे अधिक सीट चाहिए। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकांश सदस्यों की ये राय है, जिसमें जैसा आपने कहा और जैसा हम लोग पहले कहते थे, उस पर हम लोग 100% कायम है। और ये हम लोग जरूर प्रयास करेंगे जो 5 सीट कहा है, 5 सीट होते हैं तभी हमारे यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर आप निर्णय करेंगे। आप निपटा दिए गए तो फिर क्या होगा? आपने मान लिया कि आप चौथे दर्जे की पार्टी है, आपने मान लिया, आपने स्वीकार कर लिया कि आप चौथे दर्जे की पार्टी है। बाजी जी, आप कभी 20 बोले, उसके बाद फिर बोले कि हम कांग्रेस के बराबर हैं, उसके बाद बोले कि रालोसपा से बराबर है। अब तो कौन सा बात को हम लोग आप लगातार घटते जा रहे हैं। आप लोग मेरी बात तो देख रहे हैं, कृपा है, धन्यवाद है कि हमारे वोट डाले आप लोग। तो कांग्रेस ने कहा था हम 20 सीट से लड़ेंगे, फिर कहा 15 सीट से लड़ेंगे, और फिर 11 सीट का अनुशंसा यहाँ से कर दिया। नहीं नहीं, हमारे राजद ने कहा था 22 सीट लड़ेंगे, 20 सीट लड़ेंगे, अब 18-19 सीट की बात आ रही है। तो ये आगे पीछे आपसे मांझी जी हम लोगों ने रघुवंश बाबू से बात किया, हम लोगों ने कहा कि मांझी जी 5-6 सीट मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं, मिलेगा उनको 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। कहे हैं या न कहे हमको नहीं मालूम है, अपनी बात है। ऐसा उन्होंने बोला है, सुना दे आपको। अगर महागठबंधन के भीतर आपको 3 सीट मिलती है तो फिर क्या करेंगे आप? अब वो 18 को हम लोग बताएंगे सम्मिलित, जब मैंने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाएंगे कि कार्यकर्ता का मनोबल आप कहाँ से लड़ेंगे मांझी जी? सब लोग कटिबद्ध हैं सर, या और ये भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। आप कहाँ से लड़ेंगे? आप चंद्र बाबू दोनों का बता दीजिए सर, आप ही लोग कैंडिडेट हैं। आप पहले चरण के उम्मीदवार होंगे? नामांकन कब दाखिल कर रहे हैं? सर नामांकन दाखिल करने कब जा रहे हैं? नामांकन दाखिल करने गया कब जाइए? आपके लिए RJD पहली पसंद है या कांग्रेस? चर्चा सर मैंने महाचंद्र बाबू को छोड़ के भी आप गठबंधन में रहिएगा? आज हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक बैठक हो रहा था। सर्वप्रथम हमने सभी साथियों ने, जो हमारे जो 11 सदस्य हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सर्वसम्मति से ये अधिकार दिया कि प्रत्याशियों का जो चयन है आने वाला चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, चाहे संभावित सीटों पर जो चर्चा होनी है और भी जो बच गया है उसके लिए अधिकृत किया गया है। और
आज हम लोग बैठे हैं, करीब करीब जो सीट हम लड़ सकते हैं, जो हमारी संभावित सीटें हैं, उस पर विचार किया गया, गहन विचार किया गया, वहाँ के जो जातीय स्थिति क्या है, समीकरण क्या है, कौन से कैंडिडेट सूटेबल होंगे, विभिन्न नाम भी आए कैंडिडेट के, जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, उन सारी बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चा की गई है। और अभी जो स्थिति है, महागठबंधन का जो दौर है अभी चल रहा है, हम लोग सीटों पर विचार कर रहे हैं, वार्ता हो रही है, एक दो राउंड की वार्ता दिल्ली में ख़त्म हो चुकी है, एक अंतिम वार्ता जो होनी है, जो पटना में भी होनी है, आज या कल संभवतः होनी है। तो कुछ सीटों पर जो हमारी मांग थी, जो सीटों की, जो हमारा संख्या था, हमने जितने सीटों की मांग रखी थी महागठबंधन के पक्ष समीप में, उनके जो कांग्रेस के साथी हैं और राजद के जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, सबके सामने जो हमने सीटों की संख्या रखी थी, उस पर हम उसको बताएंगे, उस पर हम लोग की कुछ सीटों पर सहमति बन चुकी है, और हम समझते हैं कुछ सीट जो शेष रह गया है, वो सीट पर भी चर्चा होनी है, जो कल संभवतः चर्चा होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के नेता सब बैठेंगे, और हम समझते हैं इस पर चर्चा हो जाएगी और सहमति बन जाएगी। तो आज का मोटा मोटी यही बात था कि हम लोग सभी कैंडिडेट जो प्रत्याशी हमारे हो सकते हैं, और आज हम प्रत्याशियों का घोषणा नहीं कर सकते हैं, हमने विचार किया है, और घोषणा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो औपचारिक घोषणा होनी है महागठबंधन की, वो हम समझता जो जब जिस दिन होगा, जो उसको पता चल जाएगा हम लोगों को कि हम कौन सी सीटों पर लड़ने वाले हैं, हमारी संख्या बल क्या होगी, उसी हिसाब से हम घोषित एक मिनट, हम नहीं समझते कि कोई भी घटक दल ने अभी खुल के बोला है कि हम इतने अभी हमने 5 सीटों की मांग की थी, और हमारी सहमति कुछ सीटों पर हो चुकी है, और हम समझते हैं, हम 3-4 सीटों पर सहमति बना चुके हैं, और समझते हैं कि आने वाला समय जो कल का समय है बहुत अहम समय है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे और गठबंधन के जितने भी नेता हैं सभी बैठेंगे, और सहमति बन जाएगी, और हम पूरे तरीके से तैयार हैं महागठबंधन को जिताने के लिए, हमारा दल पूरी तरह से साथ है, हमारे एक एक कार्यकर्ता महागठबंधन को जिताने के लिए साथ में है, और हम लोग में कोई इशू नहीं है, और हम लोग एक साथ बैठ करके घोषणा करेंगे। देखिए अभी कोई संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, हम इतना ही कहेंगे कि हमारे कुछ सीटों पर सहमति हो चुकी है, कल के बाद हम आपको बता देंगे हम आपको पता होगा रालोसपा को 5 सीट मिली, हमको तो नहीं पता। मांझी जी, आपसे एक सवाल है सर, मांझी जी आपने कहा था कि राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उस दिन, हम लोग एक पीछे के जो कारण बढ़ हुए वो तो जीतन राम मांझी बेहतर बताई हैं, वो जो वही महफिल में बैठल, वही प्रेस वार्ता में बैठल, उनका बेटा जौन बा संतोष मांझी, वो कहता रहे कि 3 सीट चाहिए, 2 सीट तो ये घट गई, दूसरा का बात कि प्रतिनिधित्व के बात करता रहा, बड़ी खुश नजर आवत रहा, एक तरफ सीट शेयरिंग के फॉर्मूला ना भई और दूसरा तरफ खुशी जाहिर करता रहा, एक पीछे के राजनीति हुआ, समझता नहीं, समझ में आ जाए। और 1-2 दिन माने 24 से 48 घंटा के अंदर में सारा चीज़ साफ हो जाए, 18 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होके के शुरू हो जाए, मामला बहुत गंभीर से गंभीरतम हो जाते हुए, ये सब बात के लेकर के सारा कवायद करते हुए कांग्रेस के जौन प्रहार रहल है, जीतन राम मांझी के जौन औगार रहल है, एने शरद यादव के मन मिजाज भाँप के रहल है, साथे साथे VIP के मुकेश सहनी के सेट करे के रहल है, ओकरा बाद उपेंद्र कुशवाहा के कशहून मेल मिलाप कह के उनका के मना लेवे के रहल है, ये सब करे खातिर लगातार तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रयासरत रहे हैं, और कैसहू चाहत लालो कि गठबंधन बिहार में बिना कोनो दिक्कत के परेशानी के हो जाओ,
ऐसे के गठबंधन में सारा समीकरण जुटाव रहा यह बात से और जीतन राम मांझी के आज जो प्रेस वार्ता भैल है एक से बड़ी दुखी तेजस्वी यादव भैल है और कांग्रेस भी भैल बोल है। दुख तो निश्चित रूप से सबके भैल हो चाहे वो मुकेश सहनी होकस शरद यादव होकस या फिर उपेंद्र कुशवाहा होकस, चूँकि दिल्ली से वो लोग सब कुछ तय करके पटना चल प्रेस वार्ता एक तरफ कांग्रेस भी कैलस काल, लेकिन कांग्रेस के प्रेस वार्ता बड़ा क्लियर कट में रहे कि 11 सीट हमनी के मिल गई बुड़ुए। ये बात चुनाव समिति के जो अध्यक्ष बड़न डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ऊ कहले, हालांकि कांग्रेस आधिकारिक रूप से बयान पर अभी पुष्टि नहीं के कैले ना ही महागठबंधन कैले बुड़ुए, लेकिन जीतन राम मांझी यह बात के लेकर के आज फिर से एगो बम फोड़ दिले है। अभी बम पुटपुटिया है कि बुलेट बम हो गए, एक दिन और बाद पता चली ऐसे कि कहीं ना कहीं वो बात फिर से खाली सोच समझ से के आसपास आगे बढ़ गए। जनक हरी पार्टी छोड़ते समय इनका पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ये कहले रहन कि जीतन राम मांझी एनडीए में जई हैं, एनडीए भी सीट शेयरिंग के घोषणा अभी तक ले नहीं के कैले, हो सकेला कि एडजस्टमेंट के इंतजार होत होके और ये एडजस्टमेंट कहीं जीतन राम मांझी के समीकरण में बैठावे खातिर तो नहीं के रुकल। ऐसे कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जोन बात कहाला वो तीन तिगाड़ा बनन बिहार में एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी खास करके ग्रह गोचर आंकड़ा ये सब बड़ा देखे ले, चूँकि अपना के हिंदुत्व वाली पार्टी बतावे ले। अब ऐसन में रुआ बताई कि कहीं ऐसन तो ना कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से पलटी मार दे, इस बात के संभावना आज उनका खुशी हंसी प्रेस वार्ता और फिर कल प्रेस वार्ता बुलावे के अपना पार्टी के संसदीय बोर्ड के कार्यकारिणी के बैठक बुलावे के बात कह के एगो त एगो कहीं ना कहीं क्लू जरूर छोड़ दिले। अब एक क्लू के बाद से महागठबंधन में हंगामा मच गए बुड़ुए, उन्हें से तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते रहन, देश और संविधान रोजगार युवा सबके शामिल करके उद्देश्य के आगे बढ़ावे के बात करते रहन, वही जे एनडीए जोन बा वो पूरी तरह से संतुष्ट बुड़ुए, एनडीए के तरफ से कोई भी बात नहीं किया होत। लेकिन महागठबंधन में यह पूरा झमेला के लेकर के एक बार फिर से मंत्रणा और विचार करे के स्थिति शुरू हो गई बुड़ुए। यह मंत्रणा में जीतन राम मांझी के ना निगलते बनता ना उगलते बनते हुए, आखिर महागठबंधन अंतिम समय में कोई फैसला कैसे ले सकेला, जब रुआ पता बुड़ुए कि दरभंगा सीट के लेकर के बहुत ज़्यादा झमेला रहे, लेकिन दरभंगा सीट पर समझौता हो गई, महागठबंधन के सब घटक दल मिलके यहाँ तक लेकिन मुकेश सहनी जो अपना प्राइड खाती मान ले रहन दरभंगा सीट वो भी बैकफुट पर आ गई ले और स्वीकार कर ले कि ठीक बा भाई जे जिताऊ बड़ू ओकरे के जिता ला लोग, जे जीतल बा पहले से ओकरे पर दाव आजमा ला लोग, हम सहयोग करे के तैयार बनी। यहाँ तक लोग कहले कि अगर जरूरत पड़ी चुनाव ना लड़े के तो हम ना लड़ब, लेकिन महागठबंधन टूटे ना देव। अब तो सरका बात रुआ से बताए थे कि अभी भी दू गो बात बहुत अटक गई बुड़ुए, एक तो जीतन राम मांझी वाला बात और दूसरका जो बात बुड़ुए वो पप्पू यादव के जाप वाली बात, हम और जाप, इन्हें जाप भी अभी तक ले आशा में बुड़ुए कि महागठबंधन में ओकरा एंट्री मिल जाए, कहीं ऐसा तना कि इन्हें से छटक के उन्हें पेंच लड़ जाओ। अब तक जौन रुझान नजर आ रहा बुड़ुए, रुझान में यह बुड़ुए रंजीता रंजन के भी जौन बात रहला जौन शब्द रहला वो शब्द से कुछ एह बात के अंदेशा लागल है या इशारा जरूर रहल है वो पप्पू यादव के प्रति संतुष्ट बाड़ी कि उनका पति पप्पू यादव के महागठबंधन में अंतिम समय में एंट्री मिल जाए। अभी बात जीतन राम मांझी के और पप्पू यादव के एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी यह बात के अटका दिले, महागठबंधन के जो फुल प्रूफ प्लान रहा है ओकरा के अटका दिले, फिर एक बार संशय और संदेह के डोरी जोन बा रसरी जोन बा वो छोड़ दिले बड़े। अब में गांठ पड़ते हुए
कि सीधा सीधा पप्पू यादव के एंट्री खाती हुए सोती के काम करते हुए देखे वाला बात हुई। लेकिन तत्काल जीतन राम मांझी प्रेस वार्ता करके और ये कह के कि 18 तारीख के सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जब सामने आई ओकरा बात फिर करी हैं, जरूर कहीं ना कहीं उनका मन में कुछ बा और बा का तो हो सकेला कि वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए के तरफ शिफ्ट कर जी। राजनीति राजनीति में कुछ हो सकेला। रहल सवाल कि रुआ लगातार खबर सुन रहा बनी, हर माध्यम पर वह खबर आते हुए सोशल मीडिया पर भी आ रहा बढ़ू है, हमने के भी लगातार देते नहीं जा अखबार और टीवी के माध्यम से भी रुआ देखा था नहीं। लेकिन जौन खबर हमने के दिखाते नहीं जा उ खबर पर लगातार मुहर लगते रुए यह बात से जे 2 से 2.5 लाख लोग जुड़ल बा हमनी से और 5 से 10 लाख लोग प्रतिदिन देखते रुए उस सब लोग जानता कि हमनी के खबर के एकदम जैसे बा वैसे ही प्रस्तुत करी ले जा। हमनी के खुशी बा कि रुआ लोग लगातार हमनी के प्रेम स्नेह दे रहा बानी। सब्सक्राइब लेकिन रुआ लोग कम करवाओ तनी, सब्सक्राइब वाला बटन दबाई सब है तो हमनियों के खुशी मिली। खुशी ऐसे मिली कि हमनी के बुझाई कि रुआ लोग हमनी के साथे बानी। अगर दरवाजा पर रुआ केहू आवे आ सिकरी बजा के चल जाए तो रुआ का जानब कि के आइल बा के नहीं के आई। ऐसे जब आइल बानी दरवाजा पर तो सिकरी बजा के हमरा खोले तक ले इंतजार करी और उ घंटिया जरूर दबा दे। सब्सक्राइब वाला बटन बढ़ुए ओकरा के जैसे ही दबाई तो घंटी बगल में दबावे को हुई दबाई तो रुआ इंतजार ना करे के पड़ी रहा खबर रुआ फिर ऑटोमेटिक अपने आप रूपी रुआ लग पहुँच जाई। फिर मिला था नहीं कोनो विश्लेषण या खबर लेके गोड़ लगा था नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।